वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। पॉलिटिकल सिनेरियो पे एक बार फिर से हम डिस्कशन यूं करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की आज नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से। तो बहुत सारी कयासें आराइयां जो है वो जारी हैं कि क्या ये जो सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है, क्या मामला है जो इस तरह से, और इस पे साफ साफ ये कह दिया गया है कब्र जमान कायरा की जानिब से कि इसमें कोई सियासी एजेंडा शामिल नहीं है। क्या वाकई कोई सियासी एजेंडा नहीं है? इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। हमारे रिपोर्टर सलमान तारिक ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सलमान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सलमान, अभी आज चूंकि मुलाकात होने जा रही है दोपहर 2 बजे के करीब, तो किस तरह से क्या सियासी हलचल है जिस पे बात हो रही है, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट या इनके मिलने के हवाले से पहले से बहुत सारी बातें हो रही थी। अच्छा, बिलावल भुट्टो की जो नवाज शरीफ से मुलाकात है कोट लखपत जेल में, उसको जहरी बात है जो सियासी हलके हैं वो इसी तरीके से देख रहे हैं कि जी दो बड़े कदावर शख्सियात सियासत की जो उनकी मुलाकात हो रही है तो ज़रूर कोई सियासी एजेंडा भी होगा। और अपोजिशन के हवाले से खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जी अपोजिशन कि जितनी भी जमातें हैं उनके इत्तेहाद में मजीद मजबूती आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा ने पहले बता दिया हुआ है कि जी इस मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते जो है एक अयादत के हवाले से जा रहे हैं बिलावल भुट्टो से मिलने के लिए। तो लेकिन बहरहाल जो नज़र आता है उसे यह है कि पॉजिटिव जेस्चर अपोजिशन जमातों में जाएगा। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं और पीएमएलएन के जो लोग हैं खास तौर पर, इनमें काफ़ी जहरी बात है, टसल चलती रही है, काफ़ी दूरियां भी हैं, लेकिन इस तरह की मुलाकात से कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात करें और ऐसी सिचुएशन में कि नवाज शरीफ साहब कैद हैं और बीमार हैं और बिलावल भुट्टो चल कर उनके पास जाके उनकी अयादत कर रहे हैं, तो जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं उनमें कह लें कि एक दफ़ा फिर से कुर्बतें बढ़ सकती हैं। हालांकि ये हमने माजी में बहुत दफ़ा देखा, कुर्बतें बढ़ी फिर लड़ाई हुई, फिर कुर्बतें बढ़ी फिर सेनेट इलेक्शन हुए तो फिर लड़ाई हो गई, फिर ये मामला चलते रहे हैं। लेकिन अब ये है कि जी इस मुलाकात से पॉजिटिव जेस्चर्स दोनों जमातों की जानिब जाएगा और इससे ये होगा कि जी अपोजिशन इतिहाद जो है वो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो है वो मुश्तरका एजेंडे के साथ चले। ठीक हो गया सलमान जी, तो हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सदर विमेन बैंक शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने। वेलकम टू द शो मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अल्लाह का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आज की हम बात करेंगे, क्योंकि आज मुलाकात होने जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में। कहा तो यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इसमें कोई सियासी एजेंडा शामिल नहीं है, इस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये दोनों बड़ी मैच्योर पार्टीज़ हैं और इनकी रूट्स भी नीचे तक मौजूद हैं, और जो हमारी रवायात और हमारा कल्चर है उसमें इयादत करना अच्छा समझा जाता है, और ये दोनों पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि इस वक्त इयादत की जाए, तो इसमें कोई सियासी, और देखें सियासी मुखालफत होना और बात है और ज़ाती दुश्मनी उसको बना लेना और बात है। जो पीटीआई का मसला है, सॉरी टू से, वो हर चीज़ को ज़ाती उस पर लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो अब मुलाकात है ये आई थिंक बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई सियासी एजेंडा नहीं है। अच्छा मैडम, क्योंकि लास्ट में अक्सर इनके गिले शिकवे रहे हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, इस मुलाकात से वो भी काफी तंग होंगे। देखिए मैंने आपको कहा है कि इख्तलाफात होने सियासी जमातों में एक नेचुरल सी चीज है, नेचुरल है। तो उन इख्तलाफात को जाती रंजिशों में और जाती दुश्मनियों में तो नहीं बना सकते ना। इस वक्त मियां साहब की जेन्युइनली तबीयत खराब है और उनकी इयादत को जो जो लोग भी जा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, इमरान खान साहब को इतना भी नहीं पता कि किस वक्त क्या काम करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी। जब बेगम कुलसूम नवाज की का इंतकाल हुआ था, सारी दुनिया अफसोस करने आई थी, सब लीडर्स हर पार्टी का भुला के हर रंजिश को, और ये चीजें हो दुख सुख में तो कहते हैं ना कि साथ होता है, उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं आए थे, तो उनको सियासी रवायात का ना पता है ना वो कोई सियासी जमात है। फिर मैं यही कहूंगी कि एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं जिनको नहीं पता कि क्या करना है, तो इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप देने की जरिए एक नेचुरल एक काम है जो हो रहा है, और आई थिंक इसमें कोई उसको सियासी। अच्छा अभी क्योंकि नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से भी बहुत सारी बातें आ रही थी और सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा था, ट्वीट भी आ रहे थे कि उनका जो इलाज है
उसके मुताबिक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और हुकूमत अपने स्टैंड पे कायम है कि हमने उनको ऑप्शन दिया, वो खुद इलाज नहीं करवाना चाह रहे। देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि किसी एक शख्स का इस हद तक तस्दीक की जाए और तमस्खर उड़ाया जाए सोशल मीडिया हो, मैं फिर ये आपको कहूँगी कि इट्स नॉट ए पार्टी, क्योंकि कोई सियासी जमात इस तरह नहीं करती। और फिर जब लीडर का एटीट्यूड होता है ना, तो वो ट्रिकल डाउन करता है, वो फिर उनके वर्कर्स में, उनके सोशल मीडिया पे, कि जी वो तो बाहर निकलना चाहते हैं, जेल में रहना नहीं चाहते, इसलिए बहाने कर रहे हैं, उनका तो इशू ये है। कभी उनको एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कभी उनको आपने देखा था गायनी वार्ड के साइड रूम में शिफ्ट किया गया, जिस पे उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने बहुत मजाक बनाया था कि वो तो गायनी वार्ड में। मैं कहती हूँ कि लेवल ऑफ जो ये मजाक का भी है ना, वो भी इतना घटिया और घिरा हुआ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप एक 3-time प्राइम मिनिस्टर को, जिसने आपके मुल्क को आज इस काबिल बनाया है, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसकी फाउंडेशन रखी, मियां नवाज शरीफ ने उसको उस हद तक पहुंचाया कि इस काबिल किया कि आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आज उनसे इक्वल फुटिंग पे बात कर रहे हैं, और वो इसी खौफ से सारी दुनिया आपके पास आ गई है कि भाई आप दो न्यूक्लियर पावर्स हैं। वो किसने दिया? उस शख्स को, उस शख्स ने जिसने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, उस शख्स को जिसने पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाया, जिसने दहशतगर्दी ख़त्म की, उस शख्स के साथ आप अपना रवैया तो देखें। आपने एक तमाशा बना के रखा है, आपने उस शख्स को इतना जलील किया है कि उसको कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरे हॉस्पिटल, कभी वापस जेल, लेकिन वहां नहीं लेके जाना जहां पहली दफा उनको लेके जाना चाहिए था, PIC। फिर अब भी आप मजाक देखें कि क्या है, उसने कहा है कि मुझे बाहर भेजो, वो तो अब कह रहे मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने कहीं नहीं जाना ना आना। आपने फिर अब ये तमाशा खड़ा किया हुआ है कि पाकिस्तान में जी कोई हॉस्पिटल ही नहीं है जो उनका इलाज करे, पाकिस्तान में कोई मतलब कार्डियक वो ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप लेके पहले क्यों नहीं गए? PIC है, रावलपिंडी का कार्डियक सेंटर बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बना है, आपके पास बहुत कुछ था, उनके बोर्ड्स बने, गवर्नमेंट का ही पहला बोर्ड था ना, 5 बोर्ड्स बनाने की क्या जरूरत पेश आई एक के बाद एक? उनकी क्या रिपोर्ट है? हमें तो भरोसा ही नहीं है। अगर आप 5 बोर्ड्स बना सकते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स का क्या भरोसा है? अब वो शख्स नहीं मान रहा, वो कहता है मैं कोई खाना बदोश नहीं हूं, या मैं कोई मतलब आप कितनी प्लीज, अब तो दिल दुखता है। अब तो मैं आपको कहूं मेरे जैसा उनका, और वो 1,30,00,000 वोट लेकर आए हुए पार्टी है, उसको आपने क्या किया है? हर कारकुन का दिल दुखा हुआ है, और यकीन माने दुखे दिलों की आह से डरना चाहिए। और अगर मियां नवाज शरीफ आज भी इशारा, वो नहीं, उन्होंने कहा है कुछ नहीं करना, तो उनका कारकुन बैठा है। मैं आपको बताऊं, अगर ये संभाले से नहीं संभलेगी बात, अगर उनका कारकुन बाहर निकलता है, ये एक्सपेक्टेड है आप कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए अभी हमारी हमें कयादत की तरफ से ही वो कहते हैं नहीं, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। देखिए ये जंग अब उनकी अपनी वो उन्होंने बना ली है, और वो अब नहीं, देखिए उनका दिल वो पहले ही डिसहार्टन थे, जो कुछ उनके साथ हुआ है, जिस तरह वो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए हैं। देखिए मेरा जाती ये ख्याल है, मैं उनकी बात नहीं करी ना, वो मुझसे डिस्कस कोई फैमिली कर रही है इस इशू, मेरा जाती ये ख्याल है कि उनकी जितनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री हार्ट की है, कि उनका जब बाईपास 2 times स्टंट्स डले हुए, ही इज डायबिटिक, ही इज हाइपरटेंशन, अगर मेरा ख्याल है कि देखें हम एक क्या है, हम एक हमारा एक दांत का दर्द होता है, दांत निकलता है, तो मैं जब दूसरी दफा होता है तो मेरा दिल होता है मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊं जिसने मेरा पहले किया निकाला था, उसको मेरा पता भी है कि मेरा क्या इशू है, और मैं तो उनकी तो सर्जरी में बड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, अगर याद है आपको उस वक्त भी मजाक बना था, उस वक्त भी कहा गया था कि नहीं है, मतलब और ये पार्टी है क्या मुझे आप बताएं, एक खड़ी की हुई पार्टी ये क्या है, और ये मजाक इस तरह बनाती है बीमारियों का, सेहतों का, जिंदगियों का। वही उन्होंने उस वक्त बाईपास में बनाया था, यही इन्होंने कल्सूम नवाज की बनाया था कि ये लाएंगे जी आखिरी मिनट, ये उससे फायदा उठाएंगे, वहां वो बीमार ही नहीं है, एक डॉक्टर को भी अंदर घुसाने की कोशिश की थी।
आपको सब याद है ना, मीडिया तो गवाह है, हर चीज रिकॉर्ड पर है। उस वक्त भी मजाक बना था। तो आप एक शख्स की जो आपके मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, उसको कितना जलील करना है मुझे ये बताएं। और आप यकीन माने, मफकात अमल है, आप अब भी देख लें कि जो जो चीजों का इन्होंने मजाक बनाया था वो इनके सामने आया। फैजाबाद धरने में इन्होंने क्या किया, आज ये चल के ऑपोजिशन के पास आए कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास भी गए, हमारे पास भी आए, लेकिन हम पार्टीज हैं और हम मुल्क और कौम के मुफाद में इनके साथ खड़े हुए। हमने इनको कहा आपने जो कदम उठाना है आप उठाएं, ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, बल्कि जो मदद होगी वो भी करेंगे। तो ये पार्टीज होती हैं जी, पार्टीज ये नहीं है। आई एम सॉरी, जो कुछ ये कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया तो फिर ऑब्वियसली जिम्मेदारी कौन होगा। अच्छा मैडम, अभी चूंकि हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, आज चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और जिस तरह मुलाकात की हमने बात की, क्या इससे एक पॉजिटिव जेस्चर तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहल की है, तो क्या जो दूरियां थी वो खत्म होने के चांसेस भी होंगे एक सॉफ्ट कॉर्नर? देखिए, मैंने आपको कहा पॉलिटिकल पार्टीज, हम तो असेंबली में भी इकट्ठे बैठे हैं, हम तो वहां पे भी मिलके, हमने जब इनको सपोर्ट करना था, अभी इंडिया के इशू पे सपोर्ट करना था, तो हम इकट्ठे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा है कि दो सियासी लीडर्स हैं, मिलेंगे तो सियासी बात भी होगी। अब वो हम इतना आपकी तरह कपड़ों की तो जिक्र करने से रहे ना, मौसम का होगा कि जी बारिश हो गई, अच्छा ठीक है, उसके बाद उन दोनों का देखें हमारा अब उठना बैठना बिछोना सियासत हो गया। हम जब किसी सियासी कोई मिलता है बंदा, उससे सियासत की बात ही होती तो वो मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। और दूरी और नजदीकी तो देखें इश्यूज पे है, हम दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पार्टीज हैं, हमारा मैनिफेस्टो फर्क है, हमारी सोच फर्क है, इश्यूज पर हम इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई इश्यू आया और उन्होंने इकट्ठे होने की बात हुई तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, वी आर टू पार्टीज। क्योंकि अभी जो हमने अपने इंडिया के इशू की बात की, उस पर हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर आई और सबने इसके खिलाफ प्रॉपरली आवाज भी उठाई, सारा कुछ किया, तो उससे ये जाहिर होता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक तरफ, लेकिन जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, इसमें ये है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया कशीदगी का मामला क्रिएट होता है तो पाकिस्तान में जब भी ये क्रिएट होता है तो तमाम जमातें जो है वो एक पेज पर आ जाती है, तमाम जमातें भी और आर्मी के साथ जो कोई ना कर सका वो इंडिया ने कर दिखाया। लेकिन जहां तक बात नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मैम कर रही थी कि उस हवाले से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो है वो अयादत के सिलसिले में एक रवायत है सियासत में। लेकिन अगर नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो भी इल्जामात हैं PMLN के गवर्नमेंट पे के जी वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है नवाज शरीफ की सेहत को लेकर, और लेकिन इसमें अगर हम देखें कि इजहार यकजहती के लिए मियां नवाज शरीफ से बाकी दीगर जमातों के अहम रहनुमा मेन स्ट्रीम पर मीडिया के सामने आकर इजहार कर रहे हैं, लेकिन जहां पर अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो ना पार्टी को मुतहरिक करते नजर आ रहे हैं। ऐसा जो है ये अक्सर सोशल मीडिया पे भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का जो ट्रेंड जारी होता है उसके अंदर भी इजहार कर रहे होते हैं। सदर वो तो रोज मिल रहे हैं मियां नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब रोज मिल रहे हैं, पार्टी लेवल पर कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, पार्टी लेवल पे मैंने आपको कहा है कि नहीं है मियां नवाज शरीफ का, या अभी देखिए सिग्नल हमेशा पार्टी की तरफ, अब वो नहीं चाहते एजिटेशन। अगर वो इस वक्त इंडिया से हम लड़ाई में ही है ना, हम ओवर तो नहीं हुई टिल देयर इलेक्शन, तो इस वक्त हम एक नई मूवमेंट यहाँ चला, मतलब वक्त मुनासिब। देखें, सियासी पार्टीज वक्त और हालात देख के, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये भी तो एक चीज नजर आ रही है ना कि जो जैसा कि कहा जाता था कि इलेक्शन से पहले भी ये बातें की जाती थी कि PMLN दो पॉलिसीज पर चल रही है, नवाज शरीफ साहब जिस लाइन को टो कर रहे हैं उस लाइन को शहबाज शरीफ नहीं कर रहे, ये बात की जाती थी, लेकिन क्या मसलहती वो पार्टी जानती है बेहतर। लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट लाइंस को टो करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ मरियम नवाज जो है वो अपनी प्रोफाइल DP चेंज करती है फ्री नवाज शरीफ, जबकि फ्री नवाज शरीफ से मुतल्लिक PMLN के जो सदर हैं उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। देखिए, फ्री नवाज शरीफ का उनका मतलब इस वक्त तो देखें उनकी इस वक्त सब पूरे खानदान की फॉरमोस्ट माइंड में है उनको बीमारी। और देखें, मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है उनके दिल में भी हो कि मियां नवाज शरीफ का, रियली बिलीव मी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और इफ यू कैन रिकॉल तो लास्ट बाईपास बहुत सीरियस हो गया था,
तो उनका इश्यू है, तो फ्री का वही उनका होता है कि फ्री एंड लेट हिम. देखिए उनकी भी ख्वाहिश होगी कि उनके पास उनका जो जाती मुआलिज है उसको भी नहीं जाने दिया था शुरू में. अब जी इजाज़त देखें, इतने एंजाइना के उनको अटैक्स हुए हैं. आपका ख्याल है एंजाइना का अटैक बगैर डैमेज किए हार्ट को चला जाता है? इट डैमेजेस द हार्ट. और उनको जो डायबिटीज है, मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने डॉक्टर्स को कुछ बुलाया कहा भी था, तो उन्होंने कहा था हम इस केस को हाथ नहीं लगाएंगे. सही. बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ना संभल सका या कुछ. तो वो फ्री नवाज शरीफ का आई थिंक यही होगा कि बेटी के दिल में, बिकॉज शी इज लॉस्ट हर मदर, और किन हालात में उसने लूज की है, तो उसका तो इस वक्त दिल उदा किसी तरह वो फ्री हो और उनका इलाज हो जाए. उसके बाद देखिए, मैं फिर भी कहती हूँ कि जिंदगी होगी तो सियासतें होंगी ना. जिंदगी होगी तो इनकी ये सियासतें चमकेंगी ना सारी. इन कर क्या रहे, इन्होंने सिर्फ सियासत की है या पीपल्स पार्टी को गालियां दे के या हमें गालियां दे के. आप मुझे बताएं इश्यूज पे ये कहाँ खड़े हैं, इकोनमी कहाँ खड़ी है, इश्यूज कहाँ हैं. ये इस सारे रौले गौले में लोगों को लगाया हुआ है. आप मुझे बताएं, महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, बिजली, पेट्रोल, गैस, पानी, फलाना, हर वो सब लोग भूले हुए. बस एक हाइप क्रिएट की हुई है, उस पे गोल 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 लोगों को घुमा रहे. वेयर आर द इश्यूज प्लीज, जो हालात है उन पे बात ही ना आप कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं. हमें उलझा देते हैं कभी बीमारी में कभी उसमें, जो इनका ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट है हर इंसान का. देखिए मैं नहीं कह रही कि आप बाकी कैदियों को मार दें, मेरी तरफ से उनको भी बेस्ट ऑफ इलाज दें. आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ इनको दें, उनको भी दें. आपका तो आप फर्ज लोगों की डिमांड यही है कि पीआईसी इनको शिफ्ट किया जाए या उनका. देखिए मुझे तो आप बिल्कुल पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ कहते हैं बस मैं इधर ही. अच्छा, मतलब उन्होंने अब इस चीज को आप देख लें. वो उनकी वालदा भी गई, शहबाज शरीफ भी गए, मरियम भी गई. मैं आपको बताऊं एक स्टेज आ जाता है, बंदा कहता है कि अच्छा उनको कार्डिक मोबाइल यूनिट भी दिया है जी. आज मैंने पढ़ लिया मेरे, वो कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते. ये सब इनके पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, आप यकीन माने. ये मीडिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इलेक्शन मीडिया के उस पे जोर पे ये होता है, ये मीडिया से प्ले करते हैं. इनके ऑप्टिक्स हैं, इनका नीचे कुछ नहीं है. बाकी चीजों में देख लें उसी तरह इसमें देख लें. मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं, मिनिस्टर्स निकाल रहे हैं बदजुबानी पे. जी एक बदजुबानी पे निकाल दिया तो उसको तो आप शाबाश देते रहे गालियों पे. यानी कि अच्छी गाली बुरी गाली है, एक गाली पे आप निकालते हैं, एक गाली पे आप शाबाश देते हैं, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. प्लीज मुझे तो आई एम सॉरी. अच्छा मैडम, आपके साथ चूंकि आपको हम पॉलिटिकल डिस्कशन तो करें, लेकिन अभी आपने पॉलिटिक्स की बात की कि जब सियासी जमातें हैं आप लोग असेंबली में भी साथ होते हैं तो आप लोग पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस. घर में भी आपके एक बड़ा पॉलिटिकल सा सिनेरियो, बेटा भी आपके जो शोहर है वो भी, तो क्या आप घर में भी सियासत की गुफ्तगू होती रहती है हर वक्त? मेरा ख्याल है अब कम हो गई है. कम हो गई है. हाँ अब मैंने नोट में कही, बिकॉज लेकिन ये कि होती है लेकिन अब इतनी नहीं होती. आई थिंक अब हमने बाकी लोगों का भी देखना है. अब तो सियासत यहाँ तक आई हुई है, लेकिन ये कि एक होपलेसनेस है अब. हाँ एक डिप्रेशन है और होपलेसनेस है, और यू नो लगता है कि एक अजीब सा आई डोंट नो हाउ दे फील, बट एक इन्होंने ना एक फसाद सा बना के क्रिएट किया हुआ है. And nothing is... वो जो चार्म और एक्साइटमेंट रही थी हमारे वो अब नहीं है. आप क्योंकि देखें अब तो असेंबली जाने का भी कोई शौक नहीं होता ना इतने. यू नो वहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ पे भी दो लोग उठे हुए हैं जिनका सिर्फ काम है कि गालियाँ देनी है. वो जैसे ही गालियाँ दे एक्सपेक्ट कि किसी को आप थप्पड़ मारें गालियाँ दें तो आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा. जैसे ही रिटेलिएट करते हैं फिर वो क्रिटिसिज्म सुन ही नहीं सकते. ये बात दुरुस्त है, मतलब देखा जाए तो इस वक्त पॉलिटिकल फिजा नहीं है, हर तरफ डाइवर्जन है. मतलब कोई भी मेन इशू है उसपे बात कहने से उसपे बात होने से पहले डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और इशू के ऊपर, और वो इशू नॉन इशू होता है जिसके ऊपर डाइवर्ट. आप देखे ना अभी जो बेटा असेंबली में हुआ, असद उमर जैसा मेच्योर आदमी जो लीस्ट इसका में, वो उसके बिलावल भुट्टो जरदारी पे इतराज, मतलब व्हाट इज दिस. और इशू कोई नहीं मिला उसने, क्योंकि इनकी पॉलिसीज क्रिटिसाइज की थी तो नाम पे उसने कहा वाइज ही, और उस पर इतनी बातें कर ली. भाई आपके भी ट्वीट चल रहा है कि इमरान खान, उसने कहा मुझे न्याजी ना लिखो, सिर्फ इमरान खान तक लिखो. उसको क्या इशू है न्याजी से, ही इज अ न्याजी.
और जो नियाजी की ट्रेड्स हैं वो भी शायद उनमें होंगी, मैं नहीं जानती, पर उनको क्या इतराज था। नियाजी और नॉन नियाजी में डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे भी कि ये पॉलिटिकल साइड तो इनकी है कि वैसे आपस में जब ये घर में बैठते हैं तो क्या सियासत के अलावा क्या डिस्कशन होती है, और ये भी हम जानना चाहेंगे, हम थोड़े क्यूरियस हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।